हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं बराबर मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स के अंदर। उसमें से एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन किसी ने पूछा था, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट भी किया था और मैंने उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी किया। गाइस, क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है या फिर ओवर वाटरिंग हम करते हैं अपने जेड प्लांट को, तो नीचे से क्या होता है, उनकी रूट रॉट होने लग जाती है। गाइस, रूट रॉट ही नहीं होती, सिर्फ प्लांट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो रहा होता है। रूट रॉट तो होगी आपकी, प्लस वो बीमारी की तरह आपके पूरे स्टेम में, जो आपका ये पूरा पेड़ है, जो उसका तना है, पूरे उसके अंदर वो बीमारी फैल जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी समस्या होता है डेड प्लांट के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो करना चाहिए, बिल्कुल ही ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ये रेनी सीजन चल रहा है अभी फ़िलहाल। जून जुलाई अगस्त का जो सीज़न होता है, काफ़ी बारिश होती है और हमारा जेड प्लांट एक्सपोज रहता है, बाहर धूप में रखा होता है तो बारिश भी काफ़ी ले रहा होता है। तो अच्छी मिट्टी ना होने के कारण हमारा जो ये जो समस्या होती है हमारे जेड प्लांट में आती है। तो गाइस, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो भी नहीं डरना चाहिए, और अगर कम है तो उसको अच्छे से जल्दी से हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो कुछ एक मेरे पास प्लांट रखे थे जिसको मैं प्रिपेयर कर रहा था, सेम समस्या आई। वैसे तो बहुत सारे मेरे कम से कम 10-15 प्लांट मेरे सड़ गए। रीज़न ये रहा उनके सड़ने का, क्योंकि वो एक तो मैंने उनको शेड में रख दिया, ऊपर से बारिश बहुत अच्छी हो गई, धूप बिल्कुल नहीं पहुँचती थी, तो वो जो नीचे से वो सड़ने लग गया, पूरा स्ट्रक्चर ही सड़ गया उसका, तो मैं उसको बिल्कुल सेव नहीं कर पाता। पूरा स्ट्रक्चर सड़ गया, गल गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इससे हम एक चीज़ सीखते हैं कि हमें प्लांट को कभी भी शेड में नहीं रखना चाहिए, जेड प्लांट को खास करके बिल्कुल शेड में ना रखें। अगर आप शेड में रखते हैं, इंडोर रखते हैं, तो वाटरिंग एकदम कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत कम ही पानी दो, बिल्कुल पानी मत दो उसके अंदर। और अगर शेड में रखा गया है तो पानी से प्लीज़ प्रिजर्व करके रखें, तो आपका प्लांट बिल्कुल बढ़िया चलेगा। रेनी सीजन था इसलिए वो प्लांट बिल्कुल पानी से भर गया था, मतलब मिट्टी भरी रहती थी, पानी ऊपर से गिरता था, छाँव में था, डेली पानी गिरता था, वो प्लांट सड़ गया। उसी तरह इस प्लांट के साथ एक समस्या हुई। ये प्लांट जो है मेरा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट था, जिस तरह से आप इसकी हाइट देख रहे हो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका जो बेस है, रूट एकदम रॉट हो रहा था और यहाँ से काफ़ी आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी मेरा गल गया, ये स्ट्रक्चर बहुत ही बुरी तरह गल गया और ये प्लांट जैसे मैंने इसको पिक करना चाहा ये यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए मेरा स्ट्रक्चर तो ख़राब हो गया, बट लेकिन इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पोर्शन को काट देना होगा जितना, जहाँ तक ये बीमारी गई है। देखिए यहाँ पे जो अंदर से है स्टेम भी मेरा, मेन जो इसका मतलब यू नो अंदर एक कुछ होता है वो सड़ रहा है, वो बीमारी ऊपर तक जा रही होगी, तो इसको मेरे को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा ये जो प्रॉब्लम है कहाँ तक गया है। ठीक है, एक बार मैं कट करके इसको देख लेता हूँ। इसका जो कुछ नीचे का वेस्ट पार्ट है मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ, सेम आपको करना चाहिए अगर कोई प्लांट ऐसा ख़राब हो रहा हो तो। एक शार्प नाइफ ले करके, ऐसे इग्नोर करना, मेरा नाइफ उतना शार्प नहीं है। गाइज, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसके पूरे इस बेस को कट कर दिया है, और कट करने के बाद अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे कोई डार्कनेस नहीं है, कालापन नहीं है, इसका मतलब ये बीमारी अभी तक कोई ऐसी बीमारी इसको नहीं लगी। कुछ बीमारी लग जाती है सड़ने से, जो मेन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेन इसका नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है, उसके अफेक्ट होने से क्या होता है, पूरा ये जो बीमारी आपके प्लांट तक ऊपर तक चली जाएगी, तो आपको मैक्सिमम पार्ट इसका काटना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में सिर्फ सड़े हुए हिस्से को मैंने हटा दिया है, सड़े हुए हिस्से को हटाते ही ये प्लांट काफ़ी अच्छा दिखने लग गया, नीचे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई गलन सड़न नहीं है। बस अब इसको जो आपको बचाने के लिए काम करना है, एक अच्छे सोयल मीडिया का यूज़ कर, अच्छा सोयल मीडिया जो होता है इसका, मैंने उसकी वीडियो आपको बना के दिया हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे आई बटन पे आप चेक करें प्लीज़, तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वाले वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उस टाइप से सोयल मीडिया में अगर आप डालते हैं और इसको अभी डालते हैं उस मीडिया के अंदर, तो इसकी रूट प्रोपोगेशन बहुत जल्दी होगी और प्लांट दोबारा नहीं सड़ेगा उस टाइप के सोयल मीडिया के अंदर। एक बात और गाइज, ये जो अब मेरा प्लांट ख़राब हो गया है, तो अभी तक इसको मैंने शेप नहीं दिया था,
तो हम एक काम कर सकते हैं इसको और बचाने के लिए, इसके जो मैक्सिमम फॉलियज हैं हम उसको कम कर लेंगे। जो मेन मेरा ब्रांच स्ट्रक्चर में बना रहा था सिर्फ उसको रहने दूंगा, और उसके ऊपर छोटी छोटी जो सब ब्रांचेस थी उनको रहने दूंगा, बाकी का सारा स्ट्रक्चर मैं इसको लाइट कर दूंगा, हल्का कर दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जब इतनी एक्टिविटी करने के बाद इस प्लांट को मैं फुल सनलाइट में कम से कम 10 से 12 दिन तक या फिर 1 वीक तक आप रखो ही रखो सनलाइट में, इसको छोड़ दो बिना किसी सॉइल में लगाए, जस्ट इसको आपको ऐसे रख देना है इसके फॉलियज को कम करने के बाद। उससे गाइस क्या होगा, वो यहाँ पे सूखने के बाद अपने आप रूट्स निकलने लग जाएंगी। जब रूट्स निकल जाए तभी इसको आप अपने पॉट में अच्छे सॉइल मीडिया के साथ डालें, तो इसकी रिकवर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी और ये प्लांट काफ़ी हेल्दी ग्रो करने लग जाएगा। गाइस कैसा लगा मेरा ये टिप्स आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने नोन के साथ जो इस जेड की बॉन्साई बना रहे हैं या जेड प्लांट पे काम कर रहे हैं, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ग्रीन्स बुद्धा की तरफ से नमस्कार।